फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कन्नी एकेडमी। ये आई एम दीपिका जैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एज योर अकाउंट्स एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो अच्छे ही होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लाई हूँ, वो है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। इससे पहले हमने पार्टनरशिप के दो पोर्शंस पढ़े थे, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर्स या इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स, कि किसी साझेदारी व्यवसाय क्या होता है और साझेदारी व्यवसाय का लेखांकन कैसे किया जाता है। उसके बाद एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था एडमिशन ऑफ पार्टनर, कि जब किसी व्यक्ति का किसी साझेदार के रूप में किसी साझेदारी व्यवसाय में प्रवेश किया जाता है, यानी कि किसी पार्टनर को हम बिजनेस में एडमिट करते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर, एट दैट टाइम कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें करने पड़ते हैं, कौन कौन से चेंजेस हमें करने पड़ते हैं, ये सारे पॉइंट्स हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पे डिस्कस किए। आज एक और नया टॉपिक, अगर आपके एग्जिस्टिंग पार्टनरों में से, यानी अभी राइट नाउ जो पार्टनर्स आपके साथ काम कर रहे हैं, उनमें से किसी कोई पार्टनर रिटायर्ड हो जाता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो ऐसे टाइम पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, यानी इस टाइम पे हम किस तरीके से अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे, हमारे अकाउंट्स में क्या क्या चेंजेस होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ ऑफ पार्टनर। ये दोनों चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अकाउंट्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं, यानी हम किसी पार्टनर के रिटायर्ड होने पर या उसके डेथ हो जाने पर हमारी पार्टनरशिप में क्या क्या चेंजेस होंगे, हमें किन किन चीजों को ध्यान में रखना होगा। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट सबसे पहला चेंजेस क्या होगा, असर्टेनमेंट ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें पार्टनर्स के मिड में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा, और एक और रेशियो गेनिंग रेशियो, लाभदायकता का अनुपात और गेनिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करना होगा, यानी नया लाभ हानि खाता, लाभ हानि अनुपात और दूसरा लाभ का अनुपात। एक हमने पढ़ा था त्याग का अनुपात, जिसको क्या कहते थे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहाँ पार्टनर सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पार्टनर्स को गेन होता है। क्यों? क्योंकि जब कोई एक पार्टनर बिजनेस से चला जाता है तो रिमेनिंग पार्टनर्स का प्रॉफिट बढ़ जाता है। फॉर द एग्जाम्पल, किसी बिजनेस में तीन पार्टनर थे, ए बी और सी। फर्म 15,000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करती है और इसको ये तीनों 1:1:1 के रेशियो में बांटते हैं, तो तीनों को कितने कितने मिलते हैं, 5,000 रुपीज। अब मैं कहती हूँ सी की डेथ हो गई है, सी रिटायर्ड हो चुका है या फिर वो आगे बिजनेस नहीं करना चाहता, ऐसे टाइम पे हमारे पास अब कौन पार्टनर बचे हैं, ए और बी। नेक्स्ट ईयर भी मैंने 15,000 रुपए का ही लाभ कमाया, पर इस बार रेशियो क्या रह जाएगा, 1:1, तो दोनों को कितना अमाउंट मिलेगा, 7,500, यानी दोनों का प्रॉफिट बढ़ गया है 2,500 रुपीज से। तो जब भी कोई पार्टनर बिजनेस से रिटायर्ड होता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं उनका प्रॉफिट इंक्रीज्ड हो जाता है, इसीलिए हम एक नया रेशियो कैलकुलेट करते हैं, इट्स कॉल्ड गेनिंग रेशियो। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, हमने जब गुडविल के बारे में पढ़ा था तब हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन कब की जाती है, गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है जब आप अपने पीएनएल रेशियो को चेंज करना चाहते हो, जब आप अपना किसी नए पार्टनर को बिजनेस में एडमिट करते हो, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या दो फर्म आपस में मर्ज हो जाती है। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जब भी कोई पार्टनर बिजनेस से जाता है तो उसको हम दो अमाउंट्स का पेमेंट करते हैं, फर्स्ट उसकी कैपिटल एंड सेकंड इट्स गुडविल। थर्ड, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये टॉपिक हमने एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के टाइम पे भी पढ़ा था, कि जब भी किसी पार्टनर को बिजनेस में
एंट्री दी जाती है तो एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट करके करंट अमाउंट पे शो किया जाता है, सेम एज इट इज जब कोई पार्टनर बिजनेस से एग्जिस्ट होता है। अब एग्जिस्ट के दोनों मोड हो सकते हैं, या तो उसकी डेथ हो रही है या वो रिटायर्ड हो रहा है, तो ऐसे टाइम पर भी हम हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज को क्या करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट किया जाता है। एडजस्टमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इसी टाइम पे हम ये भी चेक करते हैं कि क्या ऐसी कोई एसेट्स या लायबिलिटीज तो नहीं रह गई है जिसका हमने एंट्री ही नहीं की है अपनी बुक में, तो उसकी एंट्री अब हम करेंगे तो उसको कहा जाता है अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अगर कोई एसेट्स एंट्री करना रह गई है तो अब उसकी एंट्री की जाएगी एज इट इज। अगर किसी लायबिलिटी को हमने अभी तक बैलेंस शीट में इंक्लूड नहीं किया है, रिकॉर्ड नहीं किया है, तो उसको अब किस तरीके से रिकॉर्ड करना है इसकी एंट्रीज हमें करनी पड़ेगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है? संचय किए हुए लाभ या हानि। संचय किए हुए लाभ या हानि का मतलब जो हमारे रिजर्व पड़े हैं, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस है, चाहे जनरल रिजर्व है या कोई भी रिजर्व है, तो जो भी रिजर्व होते हैं वो क्या होता है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो उस प्रॉफिट पे सभी पार्टनर्स का राइट होता है जिन्होंने मिलकर उसको अर्न किया। फॉर द एग्जाम्पल, अब सी बिजनेस में नहीं है लेकिन पुराना जो पीएनएल का प्रॉफिट था उस पर किन तीनों का राइट है, ए बी और सी, तो जब सी जाएगा तो वो अपने हिस्से का पीएनएल भी लेके जाएगा। तो ऐसे टाइम पे जितने भी रिजर्व्स पड़े होंगे आपके पास में वो सारे हमें ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे, और किस रेशियो में करेंगे हम, ओल्ड रेशियो में। असर्टेनमेंट्स ऑफ हर प्रॉफिट एंड लॉस टू डेट ऑफ रिटायरमेंट, ये कैलकुलेट करना कि जिस दिन पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है उस दिन उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस कितना है, जो डेथ पार्टनर है या जो रिटायर्ड पार्टनर है उसके शेयर की कैलकुलेशन करना। और सबसे लास्ट का पॉइंट हम कैलकुलेट करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, हाउ टू एडजस्ट दियर कैपिटल। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड न्यू पार्टनर दोनों में काफी सारे पॉइंट्स बहुत सिमिलर होते हैं, तो अगर आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर बहुत अच्छे से समझ में आया हुआ है तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो आज इतने सारे पॉइंट्स में से हम दो पॉइंट्स को डीप में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, असर्टेनमेंट ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, एंड सेकंड, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। हमेशा मैंने अपनी क्लास में एक बात कही है, आप चाहे 12th में प्रिपरेशन कर रहे हो, आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे आप लोग आरबीएसई बोर्ड से हो, आप सीए या सीएस कर रहे हो, पार्टनरशिप कहीं चेंज नहीं होती है, पार्टनरशिप के टर्म्स यही रहेंगे, इसकी टर्मिनोलॉजी यही रहेगी, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यही रहेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो असर्टेनमेंट ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, जब भी कोई पार्टनर बिजनेस से रिटायर्ड होता है या उसकी डेथ हो जाती है तो ऐसे टाइम पे सबसे पहली कैलकुलेशन ये होती है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो प्रॉफिट या लॉस को किस रेशियो में बियर करेंगे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपस में क्या होगा, और जो पार्टनर जा रहा है, रिटायर्ड हो रहा है, उसके प्रॉफिट या लॉस को वो किस रेशियो में बियर करेंगे। सेकंड, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जिस तरीके से जब हमने एडमिशन के टाइम पे पढ़ा था कि एक पार्टनर बिजनेस में आता है तो वो दो चीजें लेके आता है, एक कैपिटल और सेकंड गुडविल। एज इट इज जब वो पार्टनर बिजनेस से जाएगा, जब वो रिटायर्ड हो जाएगा या उसकी डेथ हो जाएगी, तो ऐसे टाइम पे वो बिजनेस से दो अमाउंट विड्रॉल भी करेगा जो उसने इन्वेस्ट किए थे। एक तो उसको उसके कैपिटल का अमाउंट रिटर्न किया जाएगा और दूसरा उसके गुडविल का अमाउंट रिटर्न किया जाएगा। तो गुडविल के यहाँ कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज होंगी ये आज हम अपने वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
in which the remaining partners, यहाँ पर new profit sharing ratio का मतलब, in which the remaining partner will share the future profit after the retirement and death of partner. New profit sharing ratio equals to होता है यहाँ पे old profit plus gaining ratio. यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाने पर या उसके रिटायर्ड होना जाने पर जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो आपस में प्रॉफिट या लॉस को किस रेशियो में बांटेंगे. अगर तीन पार्टनर हैं ए बी और सी, ए की डेथ हो जाती है तो अब इस पार्टनरशिप को कौन चलाएगा, बी और सी. अब बी और सी का न्यू रेशियो क्या होगा ये फाइंड आउट करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है. इसके न्यू रेशियो को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके न्यू रेशियो को फाइंड आउट करने का तरीका है ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो. अब क्वेश्चन आता है मैम गेनिंग रेशियो क्या होता है, तो गेनिंग रेशियो लाभ का अनुपात, द रेशियो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैव एक्वायर्ड द शेयर फ्रॉम रिटायरिंग और डिजीज पार्टनर, इट्स कॉल्ड गेनिंग रेशियो. वो रेशियो जिसमें रिमेनिंग पार्टनर्स रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को एक्वायर्ड करते हैं इट्स कॉल्ड गेनिंग रेशियो. सपोज दैट किसी बिजनेस के अंदर जो सी रिटायर्ड हो रहा था उसका 50,000 rupees का शेयर था, यानी अब ये 50,000 rupees भी किसको मिलेंगे, ए और बी को, क्योंकि अब सी तो रहा नहीं. तो ए और बी इसको किस प्रोपोर्शन में लेंगे इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, इसकी कैलकुलेशन हम गेनिंग रेशियो के बेसिस पे करते हैं. तो ये रेशियो क्या होगा, इस रेशियो का सबसे ज्यादा यूज होता है गुडविल के टाइम पे, कि जब भी रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का पेमेंट किया जाएगा तो उस गुडविल का पेमेंट रिमेनिंग पार्टनर्स यानी बचे हुए साझेदार किस रेशियो में करेंगे, बचे हुए साझेदार अपने गेनिंग रेशियो में गुडविल का पेमेंट करेंगे रिटायरिंग या डेथ पार्टनर को. तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझ में आया कि गेनिंग रेशियो का मतलब वो रेशियो जिसमें रिमेनिंग पार्टनर्स रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को अक्वायर्ड करते हैं इट्स कॉल्ड गेनिंग रेशियो. गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. इसको बहुत अच्छे से लर्न करिएगा क्योंकि अगर इसको आपने उल्टा लिख दिया यानी इसकी जगह आपने क्या लिख दिया ओल्ड माइनस न्यू, तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये SR का यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला बन जाएगा. तो हमें ये याद रखना है न्यू माइनस ओल्ड होता है गेनिंग रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो. सेक्रीफाइसिंग रेशियो या न्यू रेशियो को कैलकुलेट करने की बिजनेस में बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो. सबसे इजी कंडीशन व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन, अगर क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली ये दे दिया जाता है कि न्यू रेशियो कितना है, फॉर एग्जांपल ए बी और सी है, इनका करंट रेशियो था 1:1:1, ए को रिटायर्ड कर देते हैं तो बी और सी अब लाभों को 2:1 के रेशियो में बांटेंगे. जब आपको यानी कि कैलकुलेशन में न्यू रेशियो गिवन है इसका मतलब हमें पता है कि बी और सी का नया रेशियो कितना है 2:1 का, तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा. तो ये सबसे इजी कंडीशन होती है गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करने की. व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन सो वी अज्यूम दैट द रिमेनिंग पार्टनर शेयर इन द प्रॉफिट इन देयर ओल्ड रेशियो. ऐसी कंडीशन जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है और ना ही न्यू प्रॉफिट
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करने से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो हम ये मानेंगे कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो अपने प्रॉफिट को किस रेशियो में बेयर करेंगे, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड का मतलब ए चला गया, तो बी और सी अब लाभों को किस अनुपात में बांटेंगे, 1:1 में। ये हम तब अज्यूम करते हैं जब न्यू रेशियो से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आपको गिवन नहीं हो। थर्ड, अब जो कंडीशन है वो सारी गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करने की है। When the share of retiring partners acquired by the old partners in old ratio, जब retiring partner के share को new partners किस ratio में ले रहे हैं, इतने old ratio में, as it is, जब when the share of retiring partners is acquired by the old partner is specified ratio. एक प्रीफिक्स रेशियो में, यानी कि अभी स्पेसिफाइड वर्ड जब भी लिख कर आता है, इसका मतलब ये क्वेश्चन आपको देगा कि गेनिंग रेशियो क्या होगा, आपको क्या सर्च करना है इसके लिए क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन जो भी अमाउंट ऑफ गेनिंग रेशियो आपको बोल रहा है, आपको उस क्वेश्चन में रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को उस प्रोपोर्शन में डिवाइड करना है। तो ये स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन का मतलब होता है जो प्रोपोर्शन क्वेश्चन में गिवन है। When the share of retiring partners is acquired by fully by one of the continuing partner, जब retiring partner के पूरा share किसी एक partner के according लिया जाए, तब हम कैसे calculate करेंगे? इन सभी conditions को हम एक एक example के through solve करते हैं, ताकि हमें ये concept और अच्छे से समझ में आए। Gaining ratios को calculate करते time ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि आपकी मैथमेटिक्स इक्वेशंस बहुत शार्प हों, आपको पता हो कि अनुपातों के, यानी जो रेशियो के डिजिट्स होते हैं या प्रोपोर्शनेट डिजिट्स होते हैं, उनको हमें कैसे सॉल्व करना होता है, कब हमें एलसीएम लेना होगा, कब एलसीएम नहीं लिया जाएगा, एलसीएम हम कैसे लेते हैं, ये सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए। तो ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल किससे रिलेटेड है, हमने जो फर्स्ट कंडीशन पढ़ी थी, When new profit sharing ratio is given, तो रंजना, साधना और कामना are our partners. Profit sharing ratio इनका कितना given है? इनका profit sharing ratio है 4:3:2. रंजना retired. कौन retired हो रही है? रंजना retired हो गई है. साधना और कामना decide to share in a future ratio of 5:3. जैसे ही रंजना रिटायर्ड होती है, साधना और कामना ने ये डिसाइड किया कि अब वो अपने फ्यूचर प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटेंगे, 5:3, यानी कि हमारा ओल्ड रेशियो क्या हो गया, ओल्ड रेशियो हो गया आपका 4:3:2 और न्यू रेशियो है आपके पास में 5:3। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट आपको गेनिंग रेशियो करना है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला अभी हाल मैंने आपको बताया था, क्या फॉर्मूला होता है गेनिंग रेशियो का, तो गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। किन दोनों के लिए कैलकुलेट होगा, रंजना जा चुकी है तो साधना और कामना। साधना का न्यू रेशियो कितना हुआ, 5/8। ओल्ड रेशियो कितना था, 3/9। एलसीएम ले लेंगे 81, 9 × 5 = 45 माइनस 8 × 3 = 24, देन इट्स बिकम 21/81, 3/8। ओल्ड न्यू रेशियो था 3/8, ओल्ड रेशियो कितना हो रहा है 2/9। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा इसका 81, जब दोनों
नंबर सेम डिजिट से डिवाइड नहीं हो रहे हो तो इनको आपस में हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई एलसीएम लेने के लिए। तो 8 × 9 = 81 एलसीएम लेने का तरीका, 8 को 81 में सॉरी कैलकुलेशन आपकी यहाँ पे गलत हुई है, हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 72, 8 × 9 = 72 एंड 9 × 5 = 45 एंड 8 × 3 = 24 एंड इट्स बिकम 21/72। यहाँ एलसीएम लेंगे तो 72, 9 × 3 = 27 एंड 8 × 2 = 16 एंड इट्स बिकम 11/72 यानी इनका गेनिंग रेशियो कितना कैलकुलेट होगा 21/11। तो सिंपल सा हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई किया, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो आपके पास गिवन था 5:3 तो 5/8 एंड 3/8। ओल्ड रेशियो भी आपके पास गिवन था, ये हम नहीं लेंगे क्योंकि ये रिटायर्ड हो चुका है। तो साधना और कामना 3/9 एंड 2/9 सॉल्व किया तो आपका गेनिंग रेशियो कितना आ रहा है 21/11। नेक्स्ट कंडीशन की बात करें तो नेक्स्ट कंडीशन हमने पढ़ी थी, व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन सो वी अज्यूम दैट द रिमेनिंग पार्टनर शेयर इन द प्रॉफिट इन देयर ओल्ड रेशियो। जब बिजनेस से रिलेटेड जो नया पार्टनर है उसके रिटायरमेंट होने पर न्यू रेशियो से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे रखी है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन हम देखें तो लास्ट क्वेश्चन में गिवन था कि न्यू रेशियो कितना होगा 5:3, या क्वेश्चन के अंदर इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रखी है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें कैसे कैलकुलेट करना है। ऐसे टाइम पे ओल्ड रेशियो ही इनका न्यू रेशियो बन जाएगा। कैसे, एग्जांपल में मधु, नेहा और टीना पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था इनका 5:3:2, ये क्या हो गया इनका ओल्ड रेशियो 5:3:2। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और दूसरा गेनिंग रेशियो। इफ मधु रिटायर्स, नेहा रिटायर्स एंड टीना रिटायर्स, तीन कंडीशन है। तो सबसे पहले अगर हम इनके न्यू रेशियो की बात करें, फर्स्ट कंडीशन किसको रिटायर कर रहे हो आप, मधु को। मधु का शेयर कितना है 5/10, तो अगर मधु रिटायर्ड हो जाती है, अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने की इंफॉर्मेशन तो कुछ भी नहीं दे रखी है, तो अगर मधु को हम क्या कर रहे हैं रिटायर्ड कर रहे हैं तो रिमेनिंग कौन बच रहे हैं, नेहा एंड टीना, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा 3/2। अगर हम नेहा को रिटायर्ड करते हैं तो अब कौन बच जाएगा आपके पास में, मधु एंड टीना। तो नेहा का शेयर कितना था 3, तो इस बार शेयर कितना रह जाएगा 5:2। थर्ड कंडीशन, अगर हम किसको रिटायर्ड कर रहे हैं, टीना को, तो अब कौन बचा है आपके पास में, मधु एंड नेहा। यानी जो कट गया उसके पोर्शन को हटा दो और रिमेनिंग पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में अपने प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। तो सबसे इजी कंडीशंस होती है ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग को कैलकुलेट करने की। बस जैसे आपके पास न्यू रेशियोस आ गए, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई कर लो और आंसर कैलकुलेट कर लो। न्यू रेशियो आ गए हैं आपके पास में, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड एन माइनस ओ। अगर मैं फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व करके
मधु रिटायर्ड हो रही है, तो हमारे पास में कौन है? नेहा। तो नेहा का न्यू रेशियो कितना हो जाएगा? नेहा का न्यू रेशियो है 3/5। ओल्ड रेशियो है नेहा का 3/10। 5 and 3 are 2, तो 3/10 एलसीएम ले लेंगे, इट्स 10। 5 into 2, 2 into 3, 6 minus 3, इट्स बिकम 3/10। और एज इट इज आप इसके लिए कैलकुलेट करेंगे टीना के लिए, टीना के लिए न्यू रेशियो कितना होगा? 2/5 minus 2/10 एलसीएम लेंगे 10। 5 10 में कितने टाइम्स जाएगा? 2 times, 2 into 2, 4 minus 2, इट्स बिकम 2/10। यानी इनका जो जी आर है वो भी क्या आ रहा है? 3:2। तो ये भी बहुत इजी कंडीशन होती है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, कि जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है उसके शेयर को कट कर दो और रिमेनिंग्स अपने ओल्ड रेशियो को ही क्या बना लेते हैं? न्यू रेशियो बना लेते हैं। अब नेक्स्ट जो कंडीशन है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ी सी डिफिकल्ट है। व्हेन द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स इज एक्वायर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ऐसी कंडीशन में जो आपका गेनिंग रेशियो है वो क्या हो जाएगा? ओल्ड रेशियो। द अमित सुमितन पुनीत प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द रेशियो ऑफ 3:2, 2:1 रिस्पेक्टिवली, अमित रिटायर्स एंड द रिमेनिंग पार्टनर टू डिसाइड हिज शेयर, डिसाइड टू टेक अमित शेयर इन द एग्जिस्टिंग रेशियो ऑफ 2:1, कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। कि जो थर्ड पर्सन है, कौन? जो रिटायर्ड हो रहा है उसके प्रॉफिट को रिमेनिंग पार्टनर्स किस रेशियो में बेयर कर रहे हैं? अपने ओल्ड रेशियो में। यानी इस टाइम पे इनका गेनिंग रेशियो भी कितना हो जाएगा? 2:1। अमित रिटायर्ड हो रहा है तो अमित का शेयर कितना है? अमित शेयर की अगर हम बात करें तो ओल्ड रेशियो था 3:2:1, तो अमित का रेशियो कितना हो जाएगा? 3/6। इसको सुमित और पुनीत किस रेशियो में ले रहे हैं? 2:1 में। तो सुमित को कितना गेन होगा? मुझे क्या देखना पड़ेगा? सुमित का गेन, और एज इट इज मुझे किसका गेन देखना पड़ेगा? पुनीत का गेन। सुमित की अगर मैं गेन की बात करूं तो 3/6 को सुमित किस रेशियो में ले रहा है? 2/3, और पुनीत इसको 3/6 को 1/3 के रेशियो में ले रहा है। दैट मीन्स 3 into 2, 6, एंड 6 into 3, 18। कट कर देंगे अगर हम तो 2/9 एंड इट्स 1/9। जैसे ही आपके पास गेनिंग रेशियो आ गया, न्यू रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड प्लस जी आर। ओल्ड रेशियो में आपको क्या ऐड करना है? गेनिंग रेशियो। कौन से दो पार्टनर है आपके पास में? सुमित एंड पुनीत। तो सुमित का ओल्ड रेशियो कितना था? सुमित का ओल्ड रेशियो था 3/6 या 2/6, तो 2/6 प्लस 2/9 एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 9। तो यहां पर यूजुअली बच्चे ये गलती करते हैं कि मैम जो हाईएस्ट अमाउंट होता है वो एलसीएम बन जाता है, बट 6 and 9 यहां पर एलसीएम आएगा आपका। 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 9 54 एलसीएम।
एलसीएम को सॉल्व करेंगे तो 9 into 2 18 एंड 6 into 2 12 इट्स बिकम 6/54। और पुनीत के लिए हम जब कैलकुलेशंस करेंगे तब एलसीएम आ जाएगा 54, 6 9 टाइम्स जाएगा तो 9 प्लस 6 इक्वल्स टू 15/54। और ऊपर की कैलकुलेशन में ये वैल्यू हमें यहां पर ऐड करनी थी तो इट्स बिकम 30/54। दैट मीन्स इनका गेनिंग रेशियो कितना आ रहा है 30:15। सॉल्व करेंगे 2:1, यानी इनका न्यू रेशियो भी कितना कैलकुलेट हो रहा है 2:1। तो जब रिमेनिंग पार्टनर्स रिटायरिंग पार्टनर को अपने ओल्ड रेशियो में एग्जिस्ट करते हो देन नेक्स्ट पॉइंट when the retiring partners acquire the fully by the one of the continuing partner, jab retiring partner apna pura ka pura share kisi ek partner ko deke jayega, aise time pe calculation karna aur easy ho jayega, kyunki aise mein hame gaining ratio to calculate karne ki requirement hi nahi, kyunki gain to sirf ek person ko ho raha hai। kaise amit sumit aur punit प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इनका 4:5:2। अमित रिटायर्ड, पुनीत एक्वायर्स द अमित शेयर, जो भी शेयर है पुनीत का सॉरी अमित का वो पूरा का पूरा कौन ले रहा है, पुनीत ले लेगा। तो कैसे कैलकुलेट करें हम डायरेक्टली न्यू रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं यहां पे ओल्ड प्लस जी आर, और कैलकुलेशन सिर्फ पुनीत के लिए करनी है आपको। पुनीत का ओल्ड रेशियो कितना था 2/4+5 9 9+2 11 प्लस अमित का कितना शेयर था, अमित का शेयर था 4/11 तो इट्स बिकम 4 into 6/11। देन नेक्स्ट कौन रह गया, सुमित। सुमित के पास सिर्फ उसका ओल्ड रेशियो है, उसका ओल्ड रेशियो कितना था 5/11 तो रेशियो को बैलेंस किया सिक्स इज टू फाइव, आपका क्या हो जाएगा न्यू रेशियो। ऐसे टाइम पे सिर्फ एक ने एक्वायर्ड किया तो उसी के अंदर उसका गेनिंग रेशियो यानी कि जो अमित का पार्ट था वो पूरा का पूरा किसको दे दिया हमने, पुनीत को दे दिया। सुमित को कुछ भी रिसीव नहीं हुआ है। तो ये कंडीशंस थी गेनिंग रेशियो को एक्वायर्ड करने की एग्जाम के अंदर, ये आपको बहुत केयरफुली रीड करना है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली पूछिएगा। अब एक नेक्स्ट टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल या ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल क्या होती है, गुडविल से रिलेटेड मैंने बहुत अच्छा वीडियो पहले अपलोड कर रखा है। तो अगर आपको गुडविल की डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में नहीं पता है तो आप उस वीडियो को पहले जरूर देखिएगा। गुडविल एडमिशन और रिटायरमेंट के साइन पर सेम रहती है। डेफिनेशन ऑफ गुडविल, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कभी भी चेंज नहीं होने वाले हैं। तो जनरल एंट्री एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर कब की जनरल एंट्री है, ये जब गुडविल अकाउंट ऑलरेडी आपकी बैलेंस शीट में अवेलेबल है तो हम एंट्री करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ऐसी गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स या ऑल पार्टनर्स
किस रेशियो में ले लेंगे? ओल्ड रेशियो में ले लेंगे। एग्जाम्पल के लिए कि गुडविल दे रखी है आपकी बैलेंस शीट में 15,000 रुपीस की, ए बी और सी रेशियो है इनका 1:1:1, तो इस 15,000 को ए बी सी किस रेशियो में बेयर करेंगे? अपने ओल्ड रेशियो में। तो यहां पर आप क्या जनरल एंट्री करोगे? ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल और टू सी इज कैपिटल। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल और सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। 15,000 और तीनों को क्या क्या अमाउंट मिल जाएगा? 5,000, 5,000 एंड 5,000। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अगर आपकी बैलेंस शीट में पहले से आपने गुडविल का अकाउंट ओपन करके रखा है, ऐसे टाइम पे उस गुडविल को हम राइट ऑफ करेंगे। और राइट ऑफ करने की एंट्री राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर्स या ऑल पार्टनर्स टू गुडविल। और किस रेशियो में जाएगी? ये इनके ओल्ड रेशियो में जाएगी। जस्ट रिवर्स कंडीशन होती है व्हेन द गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट। जब आपने अपनी बैलेंस शीट के अंदर गुडविल को नहीं शो कर रखा है, ऐसे टाइम पे हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो ऐसे टाइम पर एंट्री होगी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग या डिजीज पार्टनर। द रिटायरिंग एंड डिजीज पार्टनर रिमेनिंग द पार्टनर्स इन देयर गेनिंग रेशियो। ये प्रॉफिट या लॉस को किस रेशियो में डालेंगे, यानी कि गुडविल को किस रेशियो में पे करेंगे? ये गुडविल को गेनिंग रेशियो में पे करेगा। और कौन पे करेंगे? कंटिन्यू पार्टनर। किसको पे करेंगे? रिटायरिंग पार्टनर को। इस जनरल एंट्री को एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करते हैं। जया, कीर्ति एंड श्वेता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। ऑन जयास रिटायरमेंट, कौन रिटायर्ड हो रही है? जयास रिटायरमेंट, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 36,000। इस दिन आपकी फर्म की गुडविल कितने रुपीस की थी? 36,000 की। एकता एंड श्वेता डिसाइड टू शेयर अ फ्यूचर प्रॉफिट इन इक्वली। इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा है? इक्वल। आपको क्या एंट्रीज करनी है? जनरल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। क्वेश्चन ने आपको क्लियरली कह दिया है कि आपको गुडविल अकाउंट को ओपन नहीं करना है। तो ऐसे टाइम पे सबसे पहले तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? गेनिंग रेशियो, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का पेमेंट किस रेशियो में होता है? गेनिंग रेशियो में। फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड। न्यू रेशियो कैसा दे रखा है? इक्वली, यानी एकता एकता का न्यू रेशियो है 1:2। ओल्ड रेशियो भी था 1:2। दैट मीन्स इसको कोई भी गेन नहीं हो रहा है। और नेक्स्ट कौन है? जया के रिटायरमेंट पे, सॉरी ये एकता नहीं थी, ये कौन थी? कीर्ति। एज इट इज आप किसके लिए कैलकुलेट करेंगे? श्वेता के लिए। श्वेता का भी न्यू रेशियो क्या है? 1:2। ओल्ड रेशियो था इसका 2:5। एलसीएम लेंगे, बिकम 10। 2 5 10, 5 2 10, तो इट्स बिकम 3:10। दैट मीन्स सारा का सारा अमाउंट कौन सेक्रीफाइस कर रही है यहां पर? श्वेता। तो
जो भी अमाउंट ऑफ जया है, जया की कितनी गुडविल मिलेगी, टोटल फर्म की गुडविल थी आपके पास में 36,000 की, इसमें जया का कितना शेयर होगा, 2/5, तो 36,000 को भी आपको किस रेशियो में निकालना है, जया की गुडविल, जया की गुडविल हो जाएगी 36,000 × 2/5, इसको सॉल्व करेंगे, अमाउंट आएगा आपके पास में 14,400 rupees। कंटिन्यूइंग पार्टनर हमारे पास में कृति और श्वेता है, लेकिन कृति को कोई गेन नहीं हो रहा है, इसलिए सारा का सारा अमाउंट कौन देगी, श्वेता देगी, तो हम एंट्री करेंगे श्वेता अकाउंट डेबिट टू जयाज अकाउंट 14,400 and 14,400। ऐसे टाइम पे हम गुडविल को ओपन नहीं करेंगे। तो आज हमने दो टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा, फर्स्ट गेनिंग रेशियो एंड सेकंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का ट्राई करूंगी। और इसी तरीके से मन लगा के पढ़ते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के कल और नए टॉपिक्स लेके आऊंगी, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए, थैंक यू सो मच।